हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट कैल्शियम। एज वी ऑल नो, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 500 टू 2000 तक होती है। लाइक इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज अबाउट 500 to 900 मिलीग्राम पर डे, एंड इन केस ऑफ अडल्ट इट्स अबाउट 700 to 1000 मिलीग्राम पर डे, एंड फ्रॉम 50 अबव एज ग्रुप और इट्स अबाउट 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे। विटामिन डी एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर कैल्शियम। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो आप अपनी डाइट में कितना भी कैल्शियम लें, उसका प्रॉपर बेनिफिट आपकी बॉडी को नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, एंड द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज डायरेक्ट सनलाइट। सो टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, हमें अपने लाइफस्टाइल में मॉर्निंग वॉक और एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट मॉर्निंग टाइम में डायरेक्ट सनलाइट में बैठना शुरू कर देना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, हमें अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड आयरन। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम मिल्क, कर्ड, पनीर, इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, हमें इनको अपने डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। कर्ड भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। एक कप कर्ड के अंदर लगभग 110 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। पनीर में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। पनीर का सेवन करने से कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी दूर हो जाती है। मिल्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिल्क में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है। बट द मेन थिंग इज, कई बार हम सोचते हैं हम तो दूध पीते हैं, बट फिर भी डॉक्टर्स बताते हैं कि आप में कैल्शियम की कमी है। द रीजन बिहाइंड दिस इज 80 to 90% लोग दूध में चीनी डालकर पीते हैं, जिससे दूध में मौजूद कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। सो अगर हमें मिल्क से कैल्शियम का 100% बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए हमें चीनी के अल्टरनेट सोर्स को यूज करना होगा, लाइक मिश्री, शक्कर, हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में बिना चीनी का दूध लें तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। बादाम खाकर भी आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए रात को कम से कम 12 बादाम भिगो दें और सुबह इनका छिलका उतार कर खा लें। बादाम खाते वक्त इन्हें बहुत अच्छे से चबाएं। अगर आपको ऐसे बादाम खाना नहीं पसंद है तो आप चाहे तो बादाम मिल्क भी बना सकते हैं। सफ़ेद तिल, इनमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इन्हें भी आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। बीन्स, जैसे कि सोयाबीन, राजमा, लोबिया, इनमें कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। आप अपनी डेली डाइट में ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड बीन्स को ले सकते हैं, और अपने लंच में आप बीन्स की सब्जी को भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। पालक में कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। भिंडी, एक कटोरी भिंडी में 40 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ग्रीन बीन्स, जिन्हें हम फ्रेश बीन्स के नाम से जानते हैं, एक कप बीन्स में लगभग 24% तक कैल्शियम होता है। इसलिए हमें अपनी डेली डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल में इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर खुद को फिट, यंग और हेल्दी बनाए रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।